सहारा इंडिया विक्टिम ये लिख रहे, सही बात है, सहारा ने 200 करोड़ से ज्यादा पैसा नोएडा ऑफिस पर रखा हुआ था। ये सहारा के ही कुछ बंधु कह रहे हैं कि ये बात सही है कि वहां पे छापा पड़ा था। ये आपके चैट बॉक्स में हमने लिंक अभी शेयर किया है, आप चाहें तो हम हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बातचीत सीधे कर सकते हैं कि ये जो छापेमारी हुई है उसके बारे में अगर आपको कोई सूचना है तो ये बताएं। हमारे पास तो सूचना आ रही है कि सैकड़ों करोड़ की बरामदगी, मतलब 100 करोड़ से तो ज्यादा की बरामदगी जरूर हुई है, 176 करोड़ का आंकड़ा हमारे पास आ रहा है। ये हो सकता है अधिक भी हो, जैसा मैंने आपको बताया कि 200 से 300 करोड़ रुपए अगर सेक्टर 11 नोएडा से उगाही की बात हुई थी तो ये माना जा सकता है कि ये जो पैसे हैं वो 200 करोड़ भी हो सकते हैं, 300 करोड़ भी हो सकते हैं। कितने की जब्ती हुई है ये तो सहारा प्रबंधन ही बता सकता है या ईडी बता सकता है, सरकार बता सकती है, लेकिन ईडी के तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि आपने जो ईडी की कार्रवाई की है, ये जो खबरें आ रही हैं कि आपने पैसे सीज किए हैं तो कितने पैसे सीज किए हैं, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपने क्या कोई कैश की बरामदगी वहां पर की है। अगर नहीं की है तो वो भी बताएं और अगर की है तो वो भी बताएं। जो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शंकर प्रसाद लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर भाई आपका। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सूचना है, आप अगर हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। एक और बात मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आज अगर हमारे निवेशक बंधु ये कहने की स्थिति में हो कि उनको अभी तक कुछ पैसा मिला क्या, कोई सरकार के तरफ से कोई पत्र पहुंचा क्या, जो पोर्टल पर आप लोगों ने किया था उस वक्त तो 86,000 करोड़ की डिमांड की बात हो रही थी, उसमें से कोई पैसा आया क्या, ये सब बताएंगे। जहां पे 1 रुपए का पेमेंट नहीं मिल रहा है वहां पे इतना पैसा कहां से आया है, ठीक है। ये देवांगन विश्वास लिख रहे हैं, सर आपको लगता है कि भुगतान कभी हो पाएगा, गोविंद ठाकुर लिख रहे हैं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मुझे विश्वास है, आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, लेकिन मजबूती से, हम तो लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए। लाल डायरी, सहारा के लोग कह रहे हैं लाल डायरी के बारे में, ये लाल डायरी की बात हुआ है जिसमें ये आरोप लगा था कि शायद उन्होंने सहारा ने कभी किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को ब्राइब करने की कोशिश किया था और उसका जिक्र इस लाल डायरी में है, ये उसी का संभवतः जिक्र कर रहे हैं। पोर्टल फेल है सर, ये शंकर प्रसाद लिख रहे हैं कि पोर्टल बिल्कुल फेल्ड है, ये सरकार को समझना चाहिए कि आपके पोर्टल से भुगतान नहीं हुआ है। खैर, ये पोर्टल से जो भुगतान नहीं हुआ उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि सरकार ने ये ईडी का रास्ता अब अख्तियार किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर सहारा के मुख्यालय में रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो दस्तावेज अब इकट्ठा कर रहा है और पूरे दस्तावेज की छानबीन करके इस कहानी के तह तक जाने की कोशिश में अब शायद सरकार लग गई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने सतीश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। सतीश जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। सतीश जी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आज ही मुझे सूत्रों ने बताया है कि जो कपूरथला भवन है वहां से 176 करोड़ 176 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। इसके पहले आपको याद होगा कि जब सहारा के जो मीडिया दफ्तर है, सहारा का जो दफ्तर था यहाँ पे सेक्टर 11 में जो दफ्तर था उसमें मीडिया कहना तो ठीक नहीं होगा, मीडिया के अलावा भी बहुत सारे दफ्तर हैं, मीडिया दफ्तर से तो नहीं मिला था, मीडिया के जो दूसरे जो प्रोडक्ट डिविजन है या और भी जो उनका दफ्तर था वहां से 200 से 300 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। आपको याद होगा जब पहला रेड पड़ा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और इसको उन्होंने ऑफिशियल कहा भी था कि हाँ हमको ये जब्ती हुई है। तो अभी ये खबरें आ रही हैं कि सहारा के कपूरथला भवन से 176 करोड़ रुपए से भी अधिक की कैश बरामदगी हुई है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको है? सर क्या है कि जो बता रहे हैं मीडिया में आया है, लेकिन कंपनी के तरफ से या बड़े मीडिया पे तो नहीं आया, लेकिन पेपर में जरूर छपा है कि 2.98 कुछ करोड़ की जब्ती हुई है कैश की। तो जब्ती हुई होगी तभी मीडिया छापेगा, अन्यथा छापेगा नहीं। लेकिन ईडी की तरफ से कोई अभी खास तौर से कोई अभी ऐसा नहीं आया है, पेपरों में छापा है, प्रिंट मीडिया ने।
कि जब्ती का राज क्या है, ये जो कैश में इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या सहारा में कैश का ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सहारा एक कैश रिच कंपनी थी, इसका राज क्या है जरा बताइए दर्शकों को। देखिए सर, जब से मैंने याददाश्त संभाली है सारा इंडिया के संदर्भ में, तब मैं समझता हूं तो 99% सारा इंडिया ने कैश का लेन देन किया, उन्होंने चेक का लेन देन ना के बराबर किया है, और ज्यादातर पेमेंट भी उन्होंने, जैसे लाखों के पेमेंट हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए किसी का 1 लाख का पेमेंट है, उसकी एडवाइज 5-6 छापते थे, कैश में पेमेंट करते थे। जैसे मैं कहूं अपनी बात करूं तो मैंने भी कई बार कहा कंपनी के प्रबंधन से कि हमको चेक से भुगतान चाहिए, उन्होंने हमको स्वयं को चेक से भुगतान नहीं किया, कैश से भुगतान किया और कैसे ही उन्होंने हमको पेमेंट दिया, चेक से ट्रांजेक्शन ना के बराबर उनका हुआ करता था। ये कब की बात आप कह रहे हैं कि जब आपको चेक से भुगतान ना करके कैश से दिया गया, और कितना कितना रुपए दिया गया कैश? देखिए मैं मेरी ज्वाइनिंग जो कंपनी में थी वो 91 की थी, 91 से जब से मैंने याददाश्त अपनी संभाली है 2016 तक पूरा ट्रांजेक्शन कैश से किया है। अरे बाप रे कभी चेक कह रहे हैं आपके लिया न दिया, और भ्रमित करते थे कि चेक में आप पर चेक दोगे तो लगेगा, टाइम लगेगा, ऐसा हुआ वैसा था। मानो मैंने मेरे पास एक प्रारूप है, 3,60,000 का मैंने चेक दिया था, 3,60,000 का सहारा इंडिया कंपनी के नाम से, मैं आपके पास उसकी कॉपी जो एंट्री है मेरी बैंक में, मैं उसको आपको मैं एंट्री की फोटो कॉपी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। 3,60,000 का मैंने चेक दिया था ये 2018 में, तो उस समय सहारा इंडिया के नाम से चेक दिया था, और इन्होंने सहारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी की FD बना के दी थी। जब चेक लिया था सहारा इंडिया के नाम से, और FD बना के किसकी दी? सहारा इंडिया क्रेडिट मल्टी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के नाम से। और आज सीआरसी कह रहा है, हमने उसका प्रारूप भी उसमें नोट किया, तो उसका कोई भी मैसेज डिफिशियंसी का ही मैसेज है आज मेरे पास, उसका कोई भी पैसा के बारे में कोई भी कुछ नहीं दिया है। डिफिशियंसी किस बात की है? तो वो कह रहा है कि आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, या आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है। इस बात को मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।